तो दोस्तों अभी हमारा सफ़र चालू हो रहा है, रात का 2 बज रहा है और लास्ट ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भाई आके जाम में फंस गए थे। पानी टंकी जो अपना बोर्डर लगता है गलगलिया ठाकुरगंज साइड वाला, वहीं पे भाई दशहरे की वजह से गाड़ी रोका गया था। 9 बजे ही हम पहुंच गए थे इस बॉर्डर के पास, तो हमें घुमा दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा अगर तो पता होगा दोस्तों। उसके बाद 2 बजे भाई यहाँ पे जाम खुला, और जाम खुला तो पूरा जाम ही लगेगा। जाम खुलने के बाद मतलब जो गाड़ी रोका गया था वो धीरे धीरे जा रही थी। एक कच्चा माल कि भाई पिकअप थी, बहुत परेशान था बेचारा। इनको भाई वो थोड़ा सा कराना चाहिए था, इस वजह से रॉन्ग साइड से भी चला जाता, लेकिन बहुत परेशान था। तो ये परेशानी तो झेलनी पड़ेगी दोस्तों। 44 किलोमीटर अपना सिलीगुड़ी का सिटी रह जाता है, हमें तो भाई सिटी में ही जाना है। तो सिटी में जाने के लिए भाई अपने को अंदर ही अंदर होके जाना है, बाईपास नहीं पकड़ना है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अभी 5 बज रहा है और 2 बजे का लगे भाई 3 घंटा लग गए 44 किलोमीटर आने में, क्योंकि जाम ही जाम चारों ओर था भाई। दशहरे के पंडाल वगैरह मेला वाला घूमने के वजह से। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो गया है, नदी पार करें। नदी पार करने के बाद सिंगल लाइन आ जाएगा वहाँ आगे से, और करीब हमें 20 किलोमीटर और जाना रहेगा। और सुबह सुबह का भाई ये रहा सिटी के अंदर का, 575 किलोमीटर को कोलकाता दिखा रहा है। लेकिन भाई ये सिचुएशन है कि फूलवाड़ी वगैरह घूम के आना पड़ता है हमें, क्योंकि महानंदी का जो भाई पुल का ब्रिज का पुल है जो वो टूट चुका है और वहाँ पे बैरियर लगा है। तो हमें घूम के जाना पड़ता है, 10 से 20 किलोमीटर राउंड लेके जाना पड़ता है सिलीगुड़ी के अंदर अगर आपको आना है तो। बाकी ये रहा भाई सुबह सुबह का व्यू, ये देख सकते हो रोड। भाई बंगाल में बंगाली में लिखा है तो हमें पढ़ना तो आता नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से ट्रक ड्राइवर ब्लॉग से एक नए से वीडियो में। दोस्तों सुबह सुबह का अभी 6 बज रहा है और हम भाई 2 बजे का ही जाम से छूटे भाई, पूरा जाम ही जाम मिल रहा था हर जगह। तो अभी जाके पहुंचने वाले हैं, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर और बचा है। तो ये भाई मिरिक वाले रोड पे है, गोडाउन इसका ITC का आटा है जो आप लोड किए हैं बनारस से सिलीगुड़ी। तो आज फाइनली अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। हालांकि भाई उस गोडाउन में वीडियो अलाउड नहीं है, मतलब फुटेज वगैरह खींचना। तो आप लोगों को भाई जब भी बाहर निकलेंगे उस टाइम पे आप लोगों को ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे। बाकी उसमें खाना पीना बनाना भी अलाउड नहीं है, तो खाना करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। तो देखिए वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे और कैसे क्या होता है, कब खाली होता है। खाली तो चांस नहीं है, आज संडे है ऐसे भी और छुट्टियाँ भी चल रही है, तो सोमवार तक कुछ चांस है। तो देखते हैं, पहले पहुंचते हैं, देखते हैं अगर जरूरी होगा, अगर उन लोगों का आटे का तो जरूर खाली करेंगे। बाकी दोस्तों यही सीन है कि अभी सुबह सुबह 6 बज रहा है, पूरा रात खराब करना हमें पहुंचने के लिए। तो देखिए ये दोस्तों स्टेट हाईवे है SH 12, ठीक है। तो पता कुछ ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मैप देखना पड़ेगा दोस्तों इसके बारे में। तो नेशनल हाईवे रहता तो जानकारी थोड़ी बहुत दे देते हैं आपको। बस यहाँ से और 500 से 600 मीटर जाना है हमें गोडाउन के अंदर। और ये देखिए लोडिंग, अरे यार छोटी सी पिकअप है, इतना लोडिंग किए, पुआल इसको बोलते हैं दोस्तों। चलो यहाँ पे पहले इसे दोस्तों हम 3 बार आ चुके हैं। तो ये भंगा पुल है, यहाँ पे भाई मार्केट लगता है, कभी कभी रुकते हैं तो दोस्तों शाम को आते हैं कुछ खाने पीने के लिए। इस साइड में दोस्तों देख सकते हो सिलीगुड़ी का ये अंदर का सीन है। अक्सर भाई यहाँ पे 9 बजे या 8 बजे सुबह में नो एंट्री लग जाती है और 9-10 बजे तक खुलता है नो एंट्री। तो ये देखते रहिए आप व्यू, सुबह सुबह का टाइम है तो पूरा सन्नाटा दिख रहा है। हालांकि चहल पहल रहती है हमेशा ही इधर। और जस्ट जैसे दोस्तों दसवीं था ना, दसवीं दशहरा, उसके सुबह सुबह हम पहुंचे हैं। तो अभी सब लाइट वगैरह हटा नहीं है सजावट, और देखिए इस तरह का कुछ पंडाल बना है। आएंगे दोस्तों सुबह दिन में यहाँ पे देखने के लिए, हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा घूम भी लेंगे। हालांकि अंदर भी नहाने धोने का बढ़िया व्यवस्था है तो नहा भी लेंगे उसमें, बस अंदर का फुटेज आपको नहीं दिखा सकते दोस्तों बस। तो दोस्तों यहाँ पे हम घुसने वाले हैं, देख सकते हो गेट खुला हुआ है, बोलना पड़ेगा कि हमें जाना है ITC गोडाउन में। तो अब बाहर जब निकलेंगे उसके बाद वीडियो बनाएंगे, लाउड नहीं है तो भाई वीडियो में ही बनाना है। दोस्तों सुबह सुबह का 11 बज चुका है और आए थे कंपनी में, तो गाड़ी तो आज खाली होने वाली है नहीं। तो अभी सोए भाई उठे, अभी जाना है साबुन लाने के लिए, नहाएंगे आराम से और करेंगे वेट। ये उस्ताद जी भी आटा लाए हैं,
क्या हो भैया? गाड़ी खाली हो गया? नहीं खाली नहीं हो भैया। तो आज यही सीन है दोस्तों की छुट्टी चल रहा है, तो आए थे साबुन लेने के, साबुन लेके जाते हैं नहा। दोस्तों सुबह सुबह वहाँ पे दुकान है तो जा रहे हैं वहाँ पे। सुबह सुबह का कुछ इस तरह का व्यू है। अभी सुबह तो नहीं हो रहा है, 12 बजने वाला है, 11:58 हो रहा है। तो दोस्तों शाम का 5 बज चुका है और कंपनी से हम लोग निकले हैं। आज तो गाड़ी खाली होने वाली नहीं है हमारी, तो कल का बोल रहे हैं गार्ड लोग कि कल गाड़ी खाली होगी हमारी। तो अभी जा रहे हैं बाजार में, कुछ बनाएंगे खाएंगे। क्या बोलो? बोल रहे कल खाली हो जाएगा, मतलब खाना बनाने के लिए। क्या बोल रहा है? बोल रहा है बाहर गाड़ी में नहीं बनाना है, बाहर बनाना है खाना। तो गेट के बाहर दोस्तों पूरा गैस वगैरह निकाल के आराम से खाना बनाएंगे हम लोग। जा रहे हैं अभी बाजार, थोड़ा पंडाल वगैरह भी घूम लेंगे। और शाम का टाइम है तो मौसम देखिए कुछ सुहाना सा मौसम हो रखा है, लग रहा है जैसे बारिश होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और कुछ इस तरह का भाई यहाँ का मौसम है शाम का टाइम के, पूरा थोड़ा शांत दिख रहा है। अभी आगे पंडाल है, आप लोग भाई आते वक्त दिखाया था हमने, तो वहाँ पे भी जा रहे हैं घूमने के लिए, उधर ही मार्केट है। तो चलिए जो माल लेकर आए हैं आटा, वही बनारस से, वही ये लोग भी लेकर आए हैं, इनका भी गाड़ी है 12 चक्कर में, हमारे पीछे गाड़ी लगाए हैं। क्या हो सर? चलिए दोस्तों चलते हैं बाजार। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कितना मस्त और भव्य पंडाल बना हुआ है। हालांकि दोस्तों आज संडे है, इस वजह से ये लोग दामान नहीं किए हैं। और इधर भाई माता रानी का दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो मूर्ति। और जस्ट भाई मंदिर के पास ही लगा हुआ है एक छोटा सा, यहाँ पे मेला देख सकते हो। हम तो चलते भाई सब्जी वगैरह लेने के लिए, खाना बनाएंगे आराम से। तो दोस्तों रात का 8 बज चुका है और कुणाल भाई क्या बनाया आज खाने में? हम लोग तड़का बनाए, रोटी बनाए भैया, चावल बनाए, भुजिया बनाए, करेला का भाई भुजिया बन चुका है अपने गाड़ी में। और रात का अभी 8 बज चुका है, हालांकि अभी अलाउ नहीं था यहाँ पे खाना बनाने का, तो हम लोग पूरा सामान उधर बाहर ले गए बनाने के लिए। और इतना मेहनत किए, कहीं कहीं अलाउ नहीं होता है दोस्तों कुछ अपना सेफ्टी प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी कुणाल भाई अभी खाना करें जाए? हाँ खाना खाया जाए, क्योंकि सुबह में तो खाना बनाए नहीं थे, होटल में भी खाए थे। तो होटल में का खाना कैसा होता है आपको भी बताओ? खाना कैसा होगा भाई, वो तो पैसा लेने वाला आदमी है लोग और भूख भी जल्दी लग जाता है, ये सब है। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों खाना करने के लिए। और ये भी अपनी बनारस से ही गाड़ी आई है, आरा की ही गाड़ी है। तो चलो अभी वीडियो कैमरा के पीछे भी कोई है, ड्राइवर साहब राम बंधु भैया जी हैं। तो हम लोग तीनों आदमी मिलके भाई आज करेंगे खाना। भैया हमरे कहीं गए हुए हैं, उनको बुलाए थे भाई खाना खाने के लिए, तो अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं खाना खा के, और उनको उनके लिए भाई साथ में तो खाना अच्छा रहता है, लेकिन उनके लिए खाना हम खाने के बाद ले जाएंगे। बाकी तो सब करते हैं खाना। इनका गाड़ी भाई वो 11 मॉडल गाड़ी है, और कुछ इस तरह का भाई टाटा की गाड़ी है, कुछ इस तरह का सीन है गाड़ी के अंदर में देख सकते हो। और यहीं पर खाना बनाते हैं ना वो, तो हमारा भी 10 चक्का था ना गाड़ी, यहीं पे खाना बनाते थे। और दोस्त जो वीडियो देख रहे होंगे, हमारा पुराना वीडियो देखे होंगे, तो इसी पे भाई 10 चक्का गाड़ी हमारा था, तो उस पर खाना बनाते थे। टाटा की गाड़ी है और हमें तो भाई अच्छा लगता है यहाँ पे खाना बनाना, लेकिन अपना चूल्हा है इसके वजह से इधर खाना बनाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो भैया खाइए तो, टेस्ट कीजिए तो, कुणाल भैया कैसे खाना बनाए हैं, दाल तड़का कैसे बनाए हैं? कैसे खाना है टेस्ट कीजिए, थोड़ा तनी लाइक कीजिए, थोड़ा एक नंबर है। तो दोस्तों तड़का भैया खाना कैसे बनाया दाल तड़का? हम तो भाई रोटी बनाए, चावल बनाए और दाल तड़का भुजिया इनका जिम्मेवारी था बनाने का। तो टेस्ट कर लेते खाना आज, लाजवाब बनाया दोस्तों। इस कुणाल भैया के लिए एक तो वीडियो में लाइक बनता है, और भुजिया का भी ट्राई कर लेते हैं। वाह ऐसा भुजिया भाई, पहले हम क्या होता था ना कि करेला के उतना भुजिया खाते नहीं थे, लेकिन आज जो बना है लगता है भाई पूरा भुजिया ही खा जाएंगे हम। थैंक यू कुणाल भैया खाना अच्छा बनाने के लिए, खाइए आप। ठीक है भाई खाना हम लोग खा रहे हैं। रोटी कैसा बना? रोटी तो हम बनाए हैं, रोटी को तो बताइए। तो दोस्तों आराम से दोस्तों खाना करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भाई लंबा ब्लॉग हो गया है और भाई ट्रैवल भी नहीं किया आज आप लोगों के लिए। तो भाई ब्लॉग कैसा लगा वीडियो के साथ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं दोस्तों कल के ब्लॉग में। बाय।